चलिए ठीक है। तो इसमें मौसूल की बहस मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था ना, कौन सी बहस पढ़ाया था, इसमें मौसूल की बहस, और ये भी बताया था कौन सा इसमें मौसूल किसके लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इसकी आज मश्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मश्क, हाँ, तमरीन हम दे रहे हैं। इस तमरीन को कल आप लोगों को करके लाना है, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या क्या जानने के लिए पढ़ रहे हैं? हम लोग सिर्फ ये जानने के लिए पढ़ रहे हैं कि इसमें मबनी की जो किस्में हैं, उसमें इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है, ये इसमें मौसूल कोई भी इसम मौसूल हो, ये मबनी होता है सिवाय तस्निया को छोड़ करके, तस्निया मुजक्कर और तस्निया मुअन्नस के लिए। लेकिन साथ साथ अब इसका मतलब हम लोग ये जानेंगे कि अगर इसम मौसूल तस्निया को छोड़ करके आ गया तो कोई भी इसम मौसूल रहेगा वो मबनी रहेगा ना। और कौन सा इसम मौसूल मोरब है, कौन मबनी है, वो बात भी बताई गई। और इसमें इसका थोड़ा सा ज़िमनन इसका इस्तेमाल भी जान लेते हैं कि कैसे है, क्योंकि हम लोगों ने जाना कि कौन वाहिद मुज़क्कर के लिए, कौन तस्निया मुज़क्कर के लिए, कौन वाहिद मुअन्नस के लिए, और कौन तस्निया मुअन्नस के लिए, और कितने जमा मुज़क्कर के लिए और जमा मुअन्नस के लिए कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए इस चीज़ की तदरीब कर लीजिए, मैं इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ, वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, ऐसे मैं बोल रहा हूँ अगर समझ पाओ तो इसी वक्त नोट कर लो जुमला। देखो, अकमिल अल जुमला अत्तालिया बे इस्म मौसूल मुनासिब, अकमिल अकमिल अल जुमल अल आतिया इस्म मौसूल मुनासिब, आने वाले जुमलों को मुनासिब इसमें मौसूल से पूरा करो। आने वाले जो जुमले हैं, मैं जुमला यहां नोट कर दे रहा हूं, यहां जो खाली जगह रहेगी उसमें आपको मुनासिब इसमें मौसूल भरना है। जैसे खाली जो मोहम्मद खालिद व मोहम्मद हुमा के बाद खाली जगह है, शारका शारका फी मुसाफ़ातिन नहवी, यहाँ जो खाली जगह दिख रही है, खाली जगह, यहाँ आपको जुमले के हिसाब से मुनासिब इसमें मौसूल से पुर करना है, मुनासिब इसमें मौसूल भरना है। खालिद व मोहम्मद हुमा, अब अल्लज़ी की अल्लती की अल्लज़ाने या अल्लताने या अल्लज़ीना या अल्लाती अल्लवाती, क्या यहाँ सेट रहेगा, कौन सा ऐसे मौसूल यहाँ बैठेगा, उसको आप यहाँ भरिए। खालिद व मोहम्मद हुमा इसमें मौसूल भरिए, फिर शारक फी मुसाबक़ति नहवी, ये दूसरा जुमला है। दूसरा जुमला उस नफिल मुसाबका उन नतालिबात उल जामिया, खाली जगह है, उसके बाद है फुजना, फुजना फिल मुसाबका हुन्ना तालिबातुल जामिया, जामिया के माने होते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। फुजना इसे कुलना है, कुलना काल या पुलों से कुलना आता है, इसे फाज या पुलों से फुजना जमा मुनस गायब कसेगा, फुजना फिल मुसाबका, क्या रहेगा, फुजना फिल मुसाबका हुन्न तालिबातुल जामिया, ये दूसरा जुमला नोट करो। तीसरा जुमला है उम्मी 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 हिया
खाली जगह अल्लमतनी, उम्मी ही है अल्लमतनी। ये तीन जुमले सिर्फ दे रहा हूं, इन तीनों जुमलों में आपको खाली जगह पे मुनासिब इसमें मौसूल भरना है, ठीक है ना। और कुछ और लिख लो, मैं दूसरी मश्क दे रहा हूं इसमें। देखो मैं ये इसम अल्लाह मैस के माने छाटो, अलग करो, अल मौसू इसमें मौसूल और उसका सिला, और सिले में जो जमीर होती है इसी मौसूल की तरफ लौटती है, उसको अलग अलग छाट हो सकते हैं। इसे मौसूल बताना है, इसमें मौसूल उसका सिला बताना है, आई बना तीन चीजें बतानी है। नंबर एक लिखो, अल मुअल्लिमात हुन अल्लाती युअल्लिमन التلميذات، المعلمات هن اللاتي، المعلمات هن اللاتي يعلمن التلميذات. يعلمنا التلميذات. نمبر دو، المهندسون هم الذين خططوا للمشروع. المهندسون هم الذين خططوا للمشروع. ربنا أرنا اللذين أضلانا. ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن. أيديهن
मा बालु निस्वा अल्लाती कत्ताना आईदियहुन। صراط الذين أنعمت عليهم वो जो उससे पहले दिखाया था तमरीन नंबर एक थी और तमरीन नंबर दो है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको इसमें मौसूल की तमीज करनी है और सिला बताना है कि कहां से लेकर के कहां तक सिला है। सिला और सिले में जो जमीर इसी मौसूल इसमें मौसूल की तरफ लौटती है वो कौन से जमीर है उसकी निशानदेही करना है आपको, क्योंकि सिला इस वजह से जानना जरूरी है कि इसमें मौसूल और सिला मिलकर के ही कोई चीज बनेगी। इसमें बता दे रहा हूं सिरातल लदीन अनअमता अलैहिम। अब अगर आप सोचें अनअमता अलैहिम क्या है तो ऐसे ये खाली ये नहीं बताएंगे आप अल्लदीन अनअमता अलैहिम, ये इसमें मौसूल होगा और ये इसके इसका सिला होगा और ये इसमें मौसूल और सिला, क्योंकि इसमें मौसूल और सिला ये इसमें मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर के ही कुछ बनता है तो ये क्या बनेगा, इसमें मौसूल अपने सिला के साथ मिलकर के ये सिरात का मुजाफ इलैह बनेगा। इसका मतलब सिरात मुजाफ है और अल्लदीन अनअमता अलैहिम ये मुजाफ इलैह है, ये मुजाफ इलैह है। तो सिला का जानना जरूरी होता है कि कहां से लेकर कहां तक सिला है और अलैहिम में ये जो हुम की जमीर है ये अर्राज इल्लदीन ये अल्लदीना की तरफ राजे है और यही आयद है इस जुमले में और सिला के इस जुमले में यही आयद है। तो आप लोग इसको लगा के लेके आइएगा फिर मैं आगे पढ़ूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।